पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ मदद भी पहुंचाई जा रही है। छजलैट ब्लॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पहुंचकर सभी को जागरूक किया और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पोषण माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम कर रही है और महिलाओं को मदद पहुँचाने के लिए भी काम किया जा रहा है। मुरादाबाद के फतेहपुर विश्नोई में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर पोषण माह के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। तहसील क्षेत्र के गाँव फतेहपुर विश्नोई में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। बाल विकास परियोजना विभाग छजलैट के तत्वाधान में इस अवसर पर 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी कराई गई। साथ ही जिलाधिकारी ने 6 नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देश पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को गाँव में पोषण वाटिका लगाकर गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान व साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में जागरूकता संबंधी कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां, जब पैदा ही ना होने दोगे बेटियां आदि स्लोगन लिखे बैनर लगे हुए थे। डीएम ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए ताकि पैदा होने वाला बच्चा स्वस्थ पैदा हो। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य, स्नेह प्रोजेक्ट की गरिमा व शिक्षा गुप्ता, बाल विकास परियोजना अधिकारी उर्मिला, सुपरवाइजर अनीता, निगार अंजुम, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां सविता, लक्ष्मी, पूनम, रीना, अभिलाषा आदि मौजूद रहे। बैठ लो अपनी सीट पे बैठ लो। हाँ इधर आ जी, चल ठीक। एक बार सब लोग इधर देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया गया है, उसी क्रम में आज यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम को बेसिकली संभव फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, प्रोजेक्ट स्नेह के तहत इसको आयोजित किया गया है। और यहाँ का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसको मैडम शिखा जी ने पूरी तरह से अपने फाउंडेशन के माध्यम से सजाया संवारा है। और बच्चे को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे उसका पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत हो और अच्छे से उसका विकास हो सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए जिन सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, वो इस आंगनबाड़ी केंद्र में है। और इसी तरह से जो प्रोजेक्ट स्नेह है, उसके माध्यम से 30 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे जिले में सुसज्जित किए जा रहे हैं और भी तमाम लोग साथ जुड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर लोग ऐसे ही साथ जुड़ते रहेंगे तो हमारे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा और दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। और जो सरकार की मंशा है, राज्य सरकार की मंशा है कि ये केंद्र बच्चों के बेसिक स्वास्थ्य और उनकी बेसिक शिक्षा के लिए एक बेहतर केंद्र बनेंगे, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे।